डायबिटीज के मरीजों के लिए खुशखबरी, समर्थ सोशल फाउंडेशन व जनरल हॉस्पिटल कोल्हापुर महाराष्ट्र द्वारा निर्मित एंटॉक्स-डी और एंटॉक्स-डी के नियमित सेवन से आपका इंसुलिन स्तर सामान्य होने लगेगा, जिससे एलोपैथिक दवाओं की जरूरत धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर आप नियमित रूप से 6 महीने तक एंटॉक्स-डी और एंटॉक्स-डी का सेवन करते हैं तो आप पूरी तरह से अंग्रेजी दवाओं से छुटकारा पा सकते हैं। अपनी डायबिटीज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सिटी स्टाइल के पास बैंक मोड धनबाद, मोबाइल नंबर 8987524675 और 9709044646। बोकारो विधानसभा क्षेत्र के वंशी मली स्थित VPCL गेट के समक्ष झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने बदलाव संकल्प महासभा के साथ ही चुनावी सभा का आयोजन किया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो उपस्थित हुए। पार्टी के प्रत्याशी सरोज कुमारी के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही मुद्दे भी अब नजर आने लगे हैं। झारखंड में विस्थापन और स्थानीय नीति के तहत रोजगार का मुद्दा काफी पुराना रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से बोकारो विधानसभा से प्रत्याशी सरोज कुमारी ने मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो का स्वागत किया। इस सभा में स्थानीय लोग भारी संख्या में मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने कहा कि अपने झारखंड में सभी की सरकार को देखा, लेकिन एक बार अपने समाज की और घर के बेटे को मौका दें। कर दीजिए मैथिली विश्वास दिलाता हूं कि समाज के लोगों के साथ साथ इस राज्य में भी बदलाव लाऊंगा और भ्रष्टाचारियों को उनकी औकात दिखा कर रहूंगा। बोकारो विधानसभा में ये चुनावी जनसभा थी और आज ही के आज संभवतः आचार संहिता लग जाएगी और हम लोग अब चुनावी मोड में पूरी तरह ढल जाएंगे और हमें आशा है, विश्वास है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में झारखंड की जनता हमें इतनी ताकत जरूर देगी जिस ताकत से हम लोग एक अच्छी बेहतर विस्थापन नीति, एक नियोजन नीति, स्थानीय नीति इस राज्य के लिए बना सके। हमें पूर्ण आशा है कि जनता हमें इतनी ताकत जरूर देने का काम करेगी। सबसे पहली बात, जैसा कि झारखंड को मैं समझ पा रहा हूँ, झारखंड धीरे धीरे पूरा झारखंड विस्थापित हो रहा है। लगभग हमें लगता है कि 16 आना में 4 आना झारखंड विस्थापित हो चुका है। धनबाद, बोकारो, रांची, गिरिडीह के कुछ हिस्से इसके साक्षात प्रमाण है। तो हम लोग सबसे पहले एक मजबूत विस्थापन नीति, यानी जो जमीन संबंधित विषय हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा ताकि किसानों की ज़मीन को उचित मुआवजा मिले। कोई भी कंपनी अगर स्थापित होती है तो स्थानीय रैयतों को उचित लाभ मिले, मुआवजा मिले, नियोजन मिले, पीढ़ी दर पीढ़ी मिले। तो हम लोग सबसे पहले जो झारखंड की ज़मीनें हैं उन विषयों को मजबूत करेंगे ताकि झारखंड जो असल उद्देश्य था झारखंड का राज बनाने का, वो देश का पूर्ति हो सके। 70 सीटों पे हम लोग अपने प्रत्याशी उतारेंगे, चूँकि 70 सीटों के लमसम हमें आवेदन मिला है और उन सीटों पे हमारे प्रत्याशी होंगे ही होंगे। पहली बात, हम लोग जनता के जनादेश से आ रहे हैं तो जो भी निर्णय होगा, अगर ऐसा कुछ स्थिति उत्पन्न होती है तो जनता का निर्देश, जनता का संदेश हमारे लिए सर्वोपरि होगा। आपको प्रत्याशी बनाया गया है बोकारो विधानसभा से, किन किन चीज़ों को लेकर के इस बार चुनाव में आप जा रही हैं? आपके चैनल के माध्यम से सभी को कटलानी जा रही है। हम यही माध्यम लेके जा रहे हैं, रोजगार का माध्यम, नियोजन नीति का माध्यम, विस्थापन नीति का माध्यम, स्वास्थ्य का लेके, और बाकी जो विस्थापन नीति और जो जितने भी प्लांट हैं, सब प्लांट में मैंने जितना भी प्रबंधक है वो एक भी सुचारू रूप से ग्रामीणों का काम नहीं कर रहे हैं, यही सब मुद्दा लेके लोग अभी चल रहे हैं। आज सभा था, सभा में कई लोग उपस्थित हुए, उसमें जयराम जी भी आए थे, कि क्या बातें कह के गई हैं, क्या देकर टिप्स आप लोगों को दिया गया है? यही टिप्स दे के दिया, कह के गए हैं कि जनता को बोले कि इस बार एक बार मौका दीजिए, सारा काम जितना है विचार का पार्टी है, परिवर्तन का पार्टी है, बदलाव का पार्टी है, हम लोग बदलाव लाएंगे। क्या लगता है 5 साल में जो काम होना चाहिए था हो नहीं पाया? या देखिए 5 साल में तो सही में जनता ही बोल रही है कि काम नहीं हुआ है, तो हम लोग इस काम को सब करेंगे पूरा। क्या क्या रहेगा चुनावी मुद्दा आपका?
चुनाव में मुद्दा ही रहेगा, बने रोजगार का रहेगा, नियोजन का रहेगा, विस्थापन का रहेगा, जनता के बीच अभी जितना भी समस्या हो रहा है सारा काम को हम लोग कर रहे हैं और करने का कोशिश भी कर रहे हैं। क्षेत्र में घूम रही हैं, क्या क्या चीज़ देखने को आपको कमी दिखा है? सबसे पहले तो हमको रोजगार ही कमी दिखता है, किसी के पास रोजगार ही नहीं है तो शिक्षा भी नहीं कर पा रहा है, घर का भरण पोषण भी नहीं कर पा रहा है, तो सबसे पहले हमको रोजगार देना होगा। विधानसभा का टिकट मिलने के बाद पहला कार्यक्रम आप जो चैनपुर पंचायत में किए हैं, क्या सोच करके क्या रहेगा इस बार? देखिए यही सोच करके किए हैं कि जनता भाई लोग सबको बोले कि एक बड़ा हम लोग का सभा हो जाए कि हम लोग देख लेंगे जयराम बाबू का। जयराम बाबू का भी ऐसे तो सब सुन ही रहे थे, सब उनका विचारधारा सबको तो जग चुके थे, दशा दिशा सब जान रहे थे, फिर भी यहाँ लोगों का कहना था कि नहीं एक बार वो आएंगे देखेंगे, वो सारा विचार रखेंगे, बहुत अच्छे तरीका से विचार रखें, हम लोग भी विचार रखें, जनता भाई का जितना भी काम है हम लोग काम करेंगे।